इवेंट हाँ डिफॉल्ट क्या चीज? बुलाया नहीं बुलाया तो नहीं था मैंने, तो काम अभी बैकहेंड रह गया यार। हेलो। हाँ, वो ये सूटकेस में फोर्थ फ्लोर पर आ रहे हो। इजिप्शियन सब्जेक्ट सामने। अभी बैकहेंड रह गया यार, डिजाइनिंग हो गई है। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमारे पास एक हमने AHREF इक्वल्स टू और ए को बंद कर दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया होम हैशटैग, यानी क्या करते हैं एक लिंक लगा देते हैं। यहाँ पे हमने दिया HTTPS और Google.com, ठीक है। मैं चाह कह रहा हूँ कि ना इसका जो ये जो लिंक है ना ये हट जाए, ये काम ना करे। तो आपको पता कैसे करते हैं ये? आपको पता ये चीज़ कैसे करते हैं? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिंक लगा रखा है AHREF इक्वल्स टू दिस, ठीक है। हम ना इसकी आईडी दे देंगे, ठीक है। आईडी का नाम दे दिया हमने डाटा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट लगा देंगे। स्क्रिप्ट में लाइक हमने क्या करा, फंक्शन लगा दिया और इसका नाम दे दिया डाटा, ठीक है। ओपन टैग क्लोज टैग कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इसका नाम हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी ना, यहाँ पे हमें एक पैरामीटर लगा देना है। तो हमने यहाँ पे कोई एक पैरामीटर लगा दिया और यूँ लिखा कि लेट, अंदर ही डिफाइन कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है हमारा, डाटा, और इसे बंद कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने पे क्या चीज़ होगी, क्लिक करने पे मुझे इसे बंद करवाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, बंद कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारा, एक वेरिएबल बन गया हमारा और यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया। ई का मतलब क्या हुआ ये सर? इसका पैरामीटर हो गया ये वाला, ठीक है। मतलब ये पैरामीटर मतलब आप कुछ भी कंडीशंस दे सकते हो फंक्शंस के अंदर। तो हमने एक जैसे वेरिएबल बनाते हैं, एक पैरामीटर भी बना सकते हैं हम। नहीं इसके बिना काम नहीं करेगा, तो क्योंकि हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं ना ई डॉट पेमेंट डिफॉल्ट। तो कुछ भी करते हैं ना, हाँ डाटा डॉट कुछ प्री इवेंट भी बता सकते हैं। क्या चाहिए? मतलब ये ई ना लिख के सिर्फ हाँ फंक्शन का नाम लिख सकते हैं ना? सिर्फ फंक्शन का नाम नहीं ले सकते हम इसमें, यानी पूरा ये देना पड़ता है हमें। एक बार चेक करते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा ये, अभी तो मतलब खुल रहा है, ठीक है। क्यों नहीं काम कर रहा ये? ऑन क्लिक पे फंक्शन लगा के देखते हैं। ऑन क्लिक पे कौन सा फंक्शन का नाम है, डाटा, और चेक करते हैं अब अभी भी खुल रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा ये? प्रीवेंट डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट। देखो इसने क्या कर रखा है, यहाँ पे लिखा क्लिक करने पे इसकी ना एक्टिविटी नहीं हो रही, ठीक है। क्या कर रखा है इसने, एक ही आईडी दे रखी है माई एंकर, ठीक है। और उसमें क्या करा, अच्छा हमने इवेंट लिसनर के थ्रू नहीं किया, इवेंट लिसनर के थ्रू करना पड़ेगा हमें। इवेंट लिसनर कराया था ना मैंने, तो इवेंट लिसनर के थ्रू हमें ये करना पड़ेगा। तो इवेंट लिसनर यहाँ लगाया था मैं। तो सबसे पहले हमने इसकी एक आईडी दे दी डाटा, ये रही, ठीक है। और सब इस AHREF दिस, ठीक है। और हमने लिखा यहाँ पे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम, आईडी का नाम है डाटा डॉट एड इवेंट लिसनर। एड इवेंट लिसनर के अंदर हमारे पास दो चीज़ आ जाएगी, एक आ जाएगा फंक्शन का नाम और कॉमा और हमारा इवेंट का नाम, क्लिक, और इसे हमने बंद कर दिया, ठीक है। नाम कुछ भी दे सकते हो, तो फंक्शन बनाना पड़ेगा ना हमें अभी। तो फंक्शन हम यहाँ पे पहले क्या बना देंगे, पहले हम पैरामीटर का नाम देते हैं क्लिक कॉमा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा F1 फंक्शन।
ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, और यहाँ बंद कर दिया। अब नीचे फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, फंक्शन F1 ओपन टैग क्लोज टैग, और यहाँ लिख देंगे इसके अंदर हम कुछ भी, तो यहाँ कुछ भी लिख दिया, और यहाँ पे हमने लिखा E डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, ओपन टैग क्लोज टैग बंद कर देंगे यहाँ पे, तो प्रिवेंट डिफॉल्ट ये आ गया हमारे पास, और रन करके देखते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर क्लिक किया, अभी तो नहीं काम कर रहे फंक्शन में। ऐड इवेंट लिस्नर दे दिया ना मैंने, क्लिक दे दिया, फंक्शन दे दिया F1। अच्छा ये नहीं आएगा, ठीक है। ओपन विथ लाइव सर्वर, तो अब देखो क्लिक करने पे क्या हो रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, मतलब हमारा जो लिंक है वो डिसेबल हो गया। ठीक है, तो प्रिवेंट डिफॉल्ट ने क्या करा, इसके लिंक को, जो एक्चुअल लिंक था इसका, उसे डिसेबल कर दिया। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना इस पे ये ना खुल के कोई ना अलर्ट बॉक्स आ जाए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अलर्ट लगा दिया। ठीक है, तो अभी क्लिक करने पे देखो कोई पेज नहीं खुल रहा, अलर्ट बॉक्स आ रहा है हमारा ये। ठीक है, ये अलर्ट बॉक्स इस तरीके से आ रहा है, समझ में आ अगर गया आई क्या तो ज्यादा प्रीवेंट डिफॉल्ट चीज। अगर लाइक आपको कोई एक्टिविटी डिसेबल करनी है, ठीक है, जो HTML की एक्टिविटी डिसेबल करनी है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई ना कंट्रोल सी ना कर सके, कंट्रोल वी ना कर सके, मतलब मेरा कंटेंट कोई कॉपी ना कर सके, तो हम यहाँ पे प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा देते हैं। ठीक है, वो कैसे वो होगा भी बताता हूँ मैं। अगर जैसे अगर हम इस पे होम पे कोई क्लिक करे तो ओपन ही ना हो, तो उससे हाँ बढ़िया हम उसका लिंक ही हटा दे तो वो तो HTML में ना, कुछ HTML में डिफाइन है, तो उस केस में तो हमें ये करना पड़ेगा ना, है कुछ चीज़ HTML में डिफाइन है और उसे मुझे इससे इसके थ्रू करना है, तो वो चीज़ तो करनी पड़ेगी ना मुझे सेट, तो वो जावास्क्रिप्ट से करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कॉपी करने ना पे क्या हो करके गया, क्या चीज़, इसके अलावा ऑन कॉपी करेंगे। हाँ ऑन कॉपी करेंगे। तो देखो समझ में आ गया ये चीज़। ठीक है, तो हमने क्या करा, क्लिक करने पे इसे डिसेबल कर दिया ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट को, और ये मैं कराई चुका था एड इवेंट लिसनर। ठीक है, इसमें क्लिक लगाया और F1 फंक्शन लगाया और उन्होंने इसे सेट कर दिया। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना जब कोई ना लेफ्ट की दबाए, तो जो ये मेरा ये जो होम लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा मूव कर जाए। ठीक है, ये चीज़ चाहता हूँ मैं, तो इसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे ना हमें इसकी आईडी दे रखी थी, हमने क्या करा यहाँ पे लिखा स्टाइल, और यहाँ पे हमने हैशटैग डाटा लिखा। ठीक है, ओपन टैग क्लोज टैग पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, पोजीशन रिलेटिव लगा दी मैंने, या एब्सोल्यूट पोजीशन लगा दी यहाँ पे, क्या चीज, पोजीशन एब्सोल्यूट लगा दी बस हमने। ठीक है, वो स्क्रीन पे ही रहेगा हमारा यानी, और इसके अंदर लिख दिया मैंने लेफ्ट 0 और टॉप 0, तो इससे क्या हो जाएगा, उसकी पोजीशन यहाँ कनेक्ट हो गई। अब मुझे थोड़ा सा मूव कराना है, कैस पे मूव कराना है, की पे मूव कराना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, क्या कंडीशन लगाएंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे इफ कंडीशन। ठीक है, इफ की डॉट की कोड इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे जाते हैं गूगल करते हैं की कोड, तो देखो अगर मैंने राइट की किया तो 39 होता है की कोड ये। ठीक है, और लेफ्ट क्लिक का 37 होता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इफ, इसका मतलब जितने भी हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं या जो भी की होती है ना, उनके नंबर डिफाइन है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इफ ई की कोड इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या करना है 37, 39, इफ ई कोड इज इक्वल टू है 39, तो कोई कंडीशन चल जाए, अगर ये कोई अगर ये हो तो कंटिन्यूस चले, तो मैं एक बार ये करके कर रहे नहीं कर रहा, ये अलर्ट लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ अलर्ट लगा दिया और यहाँ लिख दिया मैंने 39। अब जरा चेक करते हैं, ठीक है, अभी तो ये हमारा काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं काम कर रहा ये, अच्छा ओ
कैप्स लॉक में आ गया है। अब चेक करते हैं क्या चाहिए इस ई की कोड। कोई नहीं। हाँ हेलो। हाँ हाँ ठीक ठीक है, मैं चेक करता हूँ। जो वही आया होगा ना, गोविंद आया होगा ना। इफ ए की कोड इक्वल्स टू है 39, ठीक है, और काम क्यों नहीं कर रहा? पर ये वहां से क्लिक ही जाएगा क्या? क्या नहीं नहीं यार, यहाँ पे ना हमारा वो चल जाएगा फिर। यहाँ पे हम लिख देते हैं ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया, ये वेरिएबल बना हुआ है मेरे पास ये, चलो ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं हम, सबसे पहले लेट, ठीक है, इसको एक वेरिएबल में डिफाइन कर लेते हैं डाटा को। तो लेट माय डाटा इज इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या है, डाटा, बस बंद कर दिया हमने। तो माय डाटा किसके बराबर है, इस आईडी के बराबर है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के बराबर है माय डाटा, ठीक है। अब हमने क्या करा, इफ यहाँ पे हमने फंक्शन बना दिया, फंक्शन फंक्शन डाल दिया एफ वन और ओपन टैग क्लोज टैग कर दिया, इसके अंदर लिखा हमने ई, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, ये लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट ऑन की अप ए डॉट फंक्शन चल जाएगा एफ वन, ठीक है, सही है ना ये? अब जरा चेक करें एक बारी, चेक करते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा, अभी तो कुछ काम नहीं कर रहा। अभी भी कोई की काम नहीं कर रही मेरी। माई डाटा इज इक्वल टू दिस और फंक्शन चला एफ वन और यहाँ पे हमने ऑन की अप डॉक्यूमेंट, ऑन की डाउन यूज करूँ, डाउन अभी भी कोई क्लिक तो काम नहीं कर रहा हमारा। ऑन की अप के बाद यहाँ नहीं डॉट ही लगेगा, ऑब्जेक्ट अलर्ट आना चाहिए हमारा, ये डॉकलेट डाटा इज इक्वल टू दिस ऑन की डाउन डॉट, या मैं एबल लगा के देखे एफ वन, करने पे काम कर रहा है, हाँ चलो यही आएगा, ठीक है। और ये कौन आ गया ऑनलाइन, घूम लो तुम है, घूम लो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट ऑन की डाउन पे हमारा ये चल रहा है एफ वन फंक्शन, की इस पे भी चल रहा होगा और अप पे भी चल रहा होगा, ठीक है। अभी चेक करते हैं अप के ऊपर भी चल रहा होगा हमारा। तो देखो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, फंक्शन चल रहा है हमारा, तो काम कर रहा है। अब हम आएंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ पे इफ कंडीशन ई डॉट की कोड, की कोड इक्वल्स टू 39, ठीक है, ओपन टैग क्लोज टैग और यहाँ लिख दिया मैंने अलर्ट और इसके अंदर लिख दिया 39। तो अब इससे क्या होगा कि अगर कोई 39 यानी इधर दबाता तो 39 लिखा आएगा, लिखा रहा है देखो इधर 39 लिखा आ रहा है, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट की चाहता हूँ कि लेफ्ट कोई की कोई दबाए तो 37 लिखा है, तो मैंने यहाँ पे 37 लिख दिया और इसमें भी मैंने 37 लिख दिया। अब चेक करते हैं, देखो लेफ्ट की दवाई 37 आ रहा है और राइट की दवाई 39 आ रहा है, ठीक है, मतलब ये तो काम कर रहा है, हमारे की समझ रहा है ना।
अच्छा अब मैं चाह कह रहा हूँ कि ना जैसे ही कोई ना ठट करे, हेलो हेलो हेलो, हेलो, उसी को गोविंद का ही फोन आ रहा है। हेलो हाँ बताइए। हाँ मैंने बात की थी, अभी मैंने बोल दिया है, जो हमारे जो मैनेजमेंट देखते हैं उनको बोल दिया है, वो बात कर लेंगे अपने आप। ठीक है, मैंने नंबर दे दिया उनको। नहीं शिवानी से, वो मेरे शिवानी से बात नहीं हुई है, मैम की बात हो गई होगी। मैं एक बार बात करके पूछ। ठीक है, मैंने बोल दिया, मैंने बुलवा दिया, वो हटा देगा, रिव्यू हटा देगा। अब वो टाइम दो, 5-10 मिनट का हट जाएगा। ओके तो देखो आगे समझ में, इफ ई की कोड इधर कर रहे हैं तो 39 आ रहा है और लेफ्ट कर रहे हैं तो 37 आ रहा है। समझ में आ गया चीज? तो हमारे पास ये तो सेट हो गया। अब आते हैं इसके बाद, मैं चाह कह रहा हूँ जब कोई की कोड इस पे करे तो ना ये थोड़ा सा ना मूव कर जाए। ठीक है, ये मूव कर जाए। क्या चाहिए? क्या मूव कर जाए? डाटा मूव कर जाए। तो डाटा डाटा माई डाटा है ना, माई डाटा ये मूव कर जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल और बनाएंगे, लेफ्ट लेफ्ट इक्वल्स टू 40। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लेफ्ट इक्वल्स टू 40, और मुझे क्या करना है, ऐड कराना है। ठीक है, एक्टिविटी करके देखते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि एंटर मारे ना तो क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए। तो एक काम करते हैं, इफ ई की कोड फिर नंबर देख लेना कौन कौन से होते हैं। 13 होता है शायद और इसका, और यहाँ पे मैंने लिखा बॉडी कहाँ है, ये रही बॉडी की आईडी बीजी, और यहाँ पे लिखा मैंने इफ ई की कोड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, बीजी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू ब्लैक। क्या क्या चीज? नहीं वो इस केस में जब हम इक्वल डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, जब प्रिंट करा रहे हैं तो हम ये यूज करेंगे सिंगल ये। तो देखो जब मैंने एंटर मारा तो क्या हो गया, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड हो गया। ठीक है, अब जाएगा कैसे, मतलब मैं एक काम करता हूँ, एक और बना देता हूँ, इफ की कोड 32, 32 स्पेस बार के लिए। ठीक है, इसमें मैंने वाइट कर दिया, ये सारे आपको मिल जाएगा, आपको देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। एंटर मारा, स्पेस बार मारा, देखो ये क्या हो रहा है, जा रहा है यहाँ पे, तो जो जो की दबा रहा हूँ उस हिसाब से क्या हो रहा है, एक्शन कर रहा है। ठीक है, अब यही चीज करके ना आप इंस्पेक्ट कोड को ब्लॉक कर सकते हो। थोड़ा सा कंडीशन को, चीजों को यूज करना पड़ेगा। एक बार कोई कोड निकाल लेते हैं, ब्लॉक इंस्पेक्ट कोड इन जावास्क्रिप्ट। क्या चीज? हाँ, राइट क्लिक को ब्लॉक कर सकते हैं, कई सारी चीजों को करनी पड़ेगी ना हमें, क्योंकि राइट क्लिक से भी हो जाता है, कंट्रोल यू करने से भी हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो ये दिखा रहा है करके, इसने क्या करा, इसने यहाँ पे एक चाह रहा है कि ना ये सब को ब्लॉक करना है, इसे कंट्रोल यू को, कंट्रोल शिफ्ट सी को, कंट्रोल शिफ्ट आई को। तो इसने क्या करा, इफ ई की कोड इज इक्वल टू 123 रिटर्न फॉल्स। ठीक है, इस दिस कैरेक्टर लाइक अगर कोई आई दबाए तो आई वर्क ना करे, रिटर्न फॉल्स। इसने क्या करा, ये की लगाई, इसमें भी रिटर्न फॉल्स कर दिया। तो अलग अलग इसने क्या करा, की कोड सेट कर दिया। चार कोड का मतलब क्या है सर? चार कोड मतलब कैरेक्टर्स हो गए, कौन से कैरेक्टर्स हैं ये जो चार कोड्स हो गए, ये कैरेक्टर्स हो गए, क्योंकि हम कैरेक्टर्स पे काम कर रहे हैं, और ये हमारे लेटर्स हो गए, कौन कौन से लेटर को यानी ब्लॉक कराना है। तो अगर मैं ये वाला कोड यूज करके देखता हूँ। जी सर, हेलो, हाँ जी बताइए। और ऑफिस कहाँ पे आपका,
पटपड़गंज में, ठीक है। मैं खुद आ जाता हूँ या फिर मैं कोई अपने साथ के उस... हाँ हाँ ठीक है, मैं आप मुझे एड्रेस शेयर कर दो, मैं विजिट कर लेता हूँ, ठीक है, कल रख लेते हैं। ओके ठीक, हाँ ठीक है, मैं कल कल रख लेता हूँ। ओके हाँ, तो जैसे मैं ये वाला कोड यूज करके देखता हूँ। कहाँ पे लगा इसको? इसको मैं यहीं लगा देता हूँ, ये लगा दिया, ठीक है। और ई दो बार यूज हो रहा है तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, ई की जगह कुछ और यूज कर सकते क्योंकि ई मैं नीचे भी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे भी, ठीक है। चलो इसके लिए मैं इसे अलग उस पर ले लेता हूँ, इंस्पेक्ट, ये बहुत से लोग यूज करते हैं क्योंकि अपनी वेबसाइट, का कंटेंट जो है वो ब्लॉक करने के लिए। तो स्क्रिप्ट याद है मीरू की वेबसाइट थी, मीरू पे हमने इमेजेस को ब्लॉक कर दिया था, तो यही कोड यूज किया था। तो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। और क्या कोड चाहिए मुझे? और ये लाइन चाहिए, ये बॉडी पे, क्योंकि बॉडी पे कोई ऑन कंटेस्ट मेन्यू, मतलब कोई भी राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक ना कर सके। हाँ अभी नहीं बताया ये मैंने, क्या चाहिए? नहीं नहीं क्या नाम है, यानी हम ब्लॉक करा सकते हैं ना कुछ भी राइट क्लिक या इंस्पेक्ट। अभी जब चेक करते हैं इस पे, तो देखो राइट क्लिक अभी तो हो रहा है, क्या चाहिए? ये तो मैंने अभी हटा दिया ना, वो नई पेज लिया है। अभी तो राइट क्लिक हो रहा है, कंट्रोल यू हो रहा है, कंट्रोल यू नहीं हो रहा देखो, ठीक है, कंट्रोल से टाई भी नहीं हो रहा, क्या चीज? ये देखो ना, ये अभी अगर लिख लेते, देखो यहाँ पे बॉडी में H1 लिख देते हैं, H1 हेडिंग, ठीक है। और अब चेक करो तो ये देखो, कंट्रोल शिफ्ट आई करा कुछ नहीं हो रहा, कंट्रोल यू करा कुछ नहीं हो रहा, पर दूसरी स्क्रीन पे चेक करते हैं, इस पे चेक करते हैं, कंट्रोल यू देखो इसने भी लगा रखा है, ठीक है। इस वाली वेबसाइट पे देखते हैं कंट्रोल यू, तो देखो इसमें हो रहा है, पर हमारी साइट पर कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई से भी कुछ नहीं हो रहा, कॉपी हो रहा है, कॉपी चेक कर लेते हैं, कॉपी हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कॉपी भी ब्लॉक कराना है। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, यही पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ, और सी तो है ही यहाँ पे, सी तो हो रहा है, कॉपी कंट्रोल सी, सी तो लेके चल रहा है, सी तो है ही, शिफ्ट के साथ है ना ये, अच्छा कंट्रोल की ई डॉट कंट्रोल की एंड, वैसे सी तो है इसमें, हाँ हाँ राइट राइट राइट। तो हम एक काम करते ना, एक ही हटा देते बस, इसको हमने कॉपी पेस्ट मारा और यहाँ पे बस एंड एंड को हटा दिया, इसको यहाँ तक। अब चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, क्लिक किया कंट्रोल सी, और यहाँ पे अभी तो पहले मैं कुछ और कम, पहले से मैंने वो कॉपी कर रखा है ना, अब कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल सी और यहाँ जाके पेस्ट करके देखते हैं, नहीं हो रहा देखो, ठीक है। तो कॉपी क्या हो गया? ब्लॉक हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे यानी कोई कंटेंट जो है वो कॉपी नहीं कर सकता। तो अब कंटेंट देखो कॉपी नहीं हो रहा हमारा, नहीं हो रहा ना, ठीक है, वो पुराना वाला कॉपी दिखा रहा है। तो आप इस तरीके से कंटेंट को ब्लॉक भी कर सकते हो। किससे हो रहा है सब कुछ? प्रिवेंट डिफॉल्ट से, ठीक है। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट और की कोड यूज़ करके इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है ये, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट, अच्छा हमारा वाला कहाँ है, इंस्पेक्ट वाला, ये रहा, डॉक्यूमेंट डॉट ऑन की डाउन, मतलब कुछ भी लिखने की कोई कोशिश करेगा, फंक्शन चलेगा। ई हमारा क्या हो गया, इसका पैरामीटर हो गया, ये देखो पैरामीटर दिखा रहा है, ठीक है, कीबोर्ड इवेंट का। और इफ इवेंट डॉट, इवेंट डॉट की कोड, ठीक है, 1 2 3, मतलब अगर हमारा जो इवेंट है उसमें कोई 1 2 3 प्रेस करता है तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। इफ जो है कंट्रोल की एंड शिफ्ट एंड ये यूज़ करता है तो हमारा, आई जो यूज़ करता है तो हमारा वो
रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें एक चीज और यूज कर सकते हो, आप ये हटा सकते हो ये लाइन को, इसकी जगह क्या यूज कर सकते हो, आप आई की ढूंढ सकते हो। तो आई की कैसे ढूंढोगे, आप यहाँ आई दबाना इस पे क्लिक करके, तो ये 73 की है, तो आप ये 73 यहाँ पे यूज कर सकते हो 73। तो इससे क्या हो जाएगा, वही सेम काम करेगा जो यहाँ पे ये काम कर रहा था। ठीक है, चेक करते हैं। हाँ ठीक है, तो ये नंबर होता है, तो देखो अभी भी कॉपी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना कॉपी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से नंबर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये यूज ना करके, ये कैरेक्टर कोड यूज ना करके हम वो नंबर को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर डाल देंगे यहाँ पे तब भी वो सेम काम करेगा। और रिटर्न फॉल्स मतलब वो क्या करेगा, उसको रिटर्न का यानी रोक देगा, मतलब एरर दिखा देगा, तो वो चीज़ कॉपी नहीं होगी हमारी। तो आप इस तरीके से इंस्पेक्ट लगा सक हटा सकते हो अपनी वेबसाइट में। हाँ कौन से वाले में, यहाँ पे? अच्छा कोड पे, ये जीरो इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे ना डिफाइन कर रहे हैं सी। ठीक है, तो इसमें कोई डाटा की तो हमारी है नहीं, तो ये जो हम डायरेक्ट डिफाइन कर रहे हैं सी वर्ड, तो इसमें यहाँ पे कैरेक्टर कोड, अगर आप जीरो हटा भी दोगे ना तो भी वो सेम ही काम करेगा, तो भी वो सेम रिएक्ट करेगा। क्या था हमारा, किसको कंट्रोल और शिफ्ट को ब्लॉक कर दे और किसको ना करे, ई को नहीं करने की। हाँ तो ठीक है, कंट्रोल से कॉपी, हाँ ऐसा भी कर सकते हो। अगर हम कंट्रोल और शिफ्ट को भी अगर ब्लॉक कर देंगे तो भी क्या होगा, वो सेम ही काम करेगा, क्योंकि होता कैसे, कंट्रोल यू से होता है या कंट्रोल शिफ्ट से होता है, या हाँ कंट्रोल शिफ्ट आई से होता है इंस्पेक्ट, या फिर जैसे हम सिलेक्ट करके कंट्रोल सी भी करते हैं कॉपी। तो हाँ तो कॉपी करना तो आप ऐसे भी ब्लॉक कर सकते हो, आप बॉडी में यहाँ लिख दो बॉडी ऑन, एक सेकेंड, बॉडी स्टाइल और यहाँ पे क्या लिखेगा उसके लिए, यूज़र सिलेक्ट नन। तो यहाँ पे ऐसे कॉपी, तो देखो ये सिलेक्शन ही नहीं कर पाएगा इससे। ठीक है, यूज़र सिलेक्ट नन, तो इससे क्या होगा, सी एस एस में अगर ये लिख दोगे तो कोई यहाँ से सिलेक्शन नहीं कर पाएगा इस तरीके से। नहीं इससे 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 सिर्फ ना इससे सिर्फ देखो इससे ना क्या होगा कि आप ना यहाँ से तो सिलेक्शन, यहाँ से सिलेक्शन नहीं कर पाओगे, पर आप इंस्पेक्ट तो कर लोगे ना, तो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस वाली वेबसाइट में देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी देखो ये क्या हो रहा है, ऐसे तो सिलेक्शन कर लूँगा, पर अभी मैंने इसमें हटा दिया, वैसे इंस्पेक्ट हटा दिया उस टाइम लगाया था हमने। ठीक है, वो इसलिए हटाया था क्योंकि इमेजेस का मतलब कॉपी नहीं हो पा रही थी। तो ये चीज़ हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो डाटा की है ये काफ़ी काम आती है, जैसे आपको छोटे मोटे गेम बनाने हैं, जैसे स्नेक वाला गेम बनाना है तो वो सब इससे बना सकते हो आप। ठीक है, किसमें, हाँ स्नेक वाले गेम में क्या होता है कि लाइक लेफ्ट राइट अप डाउन इस तरीके से की को मूव कराना है, वो सब चीज़ में इसका यूज़ होता है। की ब्लॉक का नहीं, की मूव कराने का, की मूव कराने का। ठीक है, वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने तुम्हें शायद करवाया था ना, मैंने एक कार वाला डिज़ाइन किया था हमने, करवाया था। समझ में आया ये? हाँ। थोड़ा सा रिकॉल करना शुरुआत, जो 10 मिनट गए मतलब कुछ बताओ तो। कैसे? मतलब जो स्टार्टिंग आपने स्टार्ट की थी वो थोड़ी सी बताना। रुको बताते हैं। तुम्हारे ग्रुप का नाम क्या है? कोडिंग। भैया ग्रुप में तो डाल दो मेरे को क्या? अरे ये तो रिकॉर्डिंग देख लेना ना, क्या दोबारा रिवाइंड कराऊंगा मैं? नहीं तो ग्रुप में थोड़ा ऐड कर दो मेरे को, रिकॉर्डिंग तो अभी देखो, डाल लूंगा ग्रुप में। हां डाल दो ग्रुप में। मैं ना कॉलेज में बैठी हूं, अभी अगली नेक्स्ट क्लास भी होगी ना, कॉलेज में बाहर आके ले रही हूं। और तुम्हारी बहन क्यों नहीं ले रही क्लास? पता नहीं उसको शायद लग रहा अब मेरे से कुछ नहीं होगा, जो भी है घर पे बैठी है वो। स्टार्ट किया, ये देखो ये चल रहा है हमारा,
ठीक है, ऐसे ही मूव करा रहा हूँ मैं, ये गाड़ी नहीं है अभी यहाँ पे, ये देखो ठीक है, ये आगे हो रहा है पीछे हो रहा है, ठीक है वो इमेज है नहीं अभी, पर देखो मैं इस तरीके से की को मूव करा सकता हूँ इससे, गाड़ी का जाएगा क्या, गाड़ी को आप अपने हिसाब से डायरेक्शन को लेफ्ट राइट से कहीं पे भी मूव करा सकते हो। तो ये कौन सा, ये तो ये सड़क चल रही है, ये सड़क है ठीक है, स्पेस बार दबाने पे क्या हो रहा है, बंद हो रहा है ठीक है, एंटर मारने पे एंटर हो रहा है, स्टार्ट करने पे स्टार्ट हो रही है ठीक है, कलर चेंज कर दिया होगा क्या, अच्छा जा रहा हूँ ठीक है, समझ में आ गया ना, एरिया भी ब्लॉक कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं।